मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा मानवाधिकार एसोसिएशन रुखसाना पठान खान को, जिन्होंने यहां पर हम लोगों को इनवाइट किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिन्हें आज हमेशा एक हर एक चैनल पे बच्चा बच्चा देखता है, जिनका नाम है एडवोकेट आमदार वारिस पठान साहब। जो गली का मसला हो, मोहल्ले का मसला हो, किसी बिल्डिंग का मसला हो, या मुसलमान पे, या दलितों पे, या हिंदुस्तान भाइयों पे अत्याचार हो रहा होगा, वहां पर सिर्फ एक शख्सियत की आवाज आती है, वो है एडवोकेट वारिस पठान साहब। दोस्तों, आपने इलेक्शन का दौर है, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, फिर भी दो मिनट कुछ ऐसी चीजें बताता चलूं कि अब इलेक्शन का दौर है, नई नई पार्टियां उभरेंगी। वो कहेगा मैं हिंदू हूं, वो कहेगा मैं मुसलमान हूं, वो कहेगा मैं दलित हूं, वो कहेगा मैं ईसाई हूं। ये सिर्फ दो महीने का खेल, उसके बाद जनता सब जानती है कि कौन लोगों का रहबर, कौन लोगों का मसीहा, कौन इस झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के हक में काम करने वाला लीडर। आज आपने विधानसभा लोकसभा में देखा होगा कि हिंदुस्तान की शख्सियत शेर ए हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो किसी का भी मसला हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, अगर उस पर जुल्म किया जा रहा है तो सबसे पहली जो आवाज निकलती है वो निकलती है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की। दोस्तों, मेरी मां बहनों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि सही जगह पर सही लोगों का साथ दें, जो आपके हक के लिए खड़े हैं, आपके लोगों के लिए खड़े हैं, आपके काम के लिए आते हैं, तो आप उन्हीं का साथ दें। बहकावे में आकर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, झूठी तरीके की बातों में आपको बहला फुसला के, एक वक्त ऐसा आता है कि ये आपके घर, आपके मोहल्ले हड़पने के भी ये साजिशें रच डालते हैं। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी मां बहनों और मेरे सभी एनजीओ के अधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें यहां इनवाइट किया। बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूंगा कि एक साथ आइए, एकजुट हो जाइए और अपना फैसला एक करिए और सच के साथ दीजिए। सच के साथ आओगे इंशाअल्लाह ताला तो अल्लाह भी राजी, दुनिया भी राजी और दीन भी राजी इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।